सत्संग रूपी जो प्याला होता है इसके पीने का आनंद अलग होता है। ये अगर नशा एक बार चढ़ गया ना सत्संग का, तो ये जीवन में उतरने वाला नहीं है। और ये जो नशा है महाराज, रात को पियोगे सुबह उतर जाएगी। और जो सत्संग रूपी नशा है ये जीवन में अगर चढ़ गया तो भैया उतरने वाला नहीं है। श्री गोस्वामी महाराज लिखते हैं, मियां जब से शैल कुमारी बनी है बहुत ही सुंदर हरा भरा पर्वत हो गया है। भौरे सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, जब ते उमा शैल कहदाई, जब ते जब ते उमा शैल गृह आई, सकल सिद्धि संपत तहां छाई। मिया का जब से आगमन हुआ, मंगला का जब से आगमन हुआ, आदि शक्ति का जब से आगमन हुआ, मिया पर्वत भी हरा भरा हो गया है। इसलिए आपके घर में जब बेटी आए ना, जब आदि शक्ति आए ना, सुंदर सम्मान करना, सुंदर स्वागत करना, जीवन अच्छा ही अच्छा होगा। मिया बहुत प्रसन्न है और बेटी का लालन पालन हुआ बड़े प्यार से। हिमांचल जी ने अपनी बेटी का लालन पालन किया, नाम रखा गया उमा। उमा पर्वत की पुत्री पार्वती, अर्पणा ये सारे नाम उन्हें मिले जब वो हिमांचल की पुत्री बनी। लेकिन जैसे ही वो किशोर अवस्था में आई, एक दिन महाराज देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। देवर्षि नारद जी का जैसे ही आगमन हुआ, हिमांचल जी बड़े प्रसन्न हुए। क्योंकि एक बात कहूं, नारद एक संसार में ऐसे संत हैं कि जिसके घर में नारद जैसे संत पहुंच जाएं तो भगवान जरूर मिल जाएंगे। जिस शिष्य को देवर्षि नारद जैसा गुरु मिल जाए तो भगवान जरूर मिल जाएगा। जब ध्रुव महाराज घर से निकले थे, मन में एक ही लालसा थी उनकी मैया सुनीति को कि मेरे बेटे को नारद जैसा गुरु मिल जाए तो भगवान मिल जाएगा। क्योंकि कहते हैं नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, नारद जी को। और एक सीधा अर्थ है नारद जी का, सीधा अर्थ नारद, नारद जिसकी बात कभी रद ना हो वह है नारद। और नारद जी की विशेषता भी है, नारद जी की विशेषता भी है कि जिसके घर में पहुंच गए उन्हें भविष्य बताना है और भगवान से मिलाना है। और कल से जो है कथा का समय एक निर्धारित किया गया है कि 7 से 9:30 तक, 9:30 के बाद रामायण जी की आरती हो जाएगी। तो आप लोग समय से आए और समय से ही कथा का शुभारंभ हो जाएगा। देवर्षि नारद आए, हिमांचल जी ने स्वागत किया, बैठाया, अपनी बेटी को बुलाया हस्तरेखा देखने के लिए। अब जैसे अपने गांव में कोई बाबा आ जाते हैं तो मैया की लिखती है, हमारा हाथ देख लो क्या लिखा है, हमारा भविष्य बता दो। और बेटियों का भविष्य तो यही है कि भैया बता दो इसकी शादी कहाँ होगी, इसको पति कैसा मिलेगा, इसका घर कैसा होगा, परिवार कैसा होगा। तो
हिमांचल जी ने अपनी बेटी को बुलाया, मियाँ पार्वती जी को, और हाथों की रेखा दिखवाई। देखते ही देवर्षि नारद ने कहा, हिमांचल जी आपकी जो बेटी है मैं क्या कहूँ, जिसके हजार मुख हैं इनकी भाग की सराहना तो शेष गणेश महेश भी नहीं कर सकते। श्री गोस्वामी महाराज लिखते हैं, श्री देवर्षि नारद जी ने कहा, हो सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, हे हिमांचल, हे पर्वतराज, आपकी बेटी सब लक्षण संपन्न कुमारी, अहो यही संतत पियही प्यारी। ये बेटियों की अगर ये रेखा है ना तो उसका भाव बहुत अच्छा है। मैया सोच लेती है मेरी बेटी तो प्रसन्न है कि सब लक्षण संपन्न कुमारी, अहो यही संतत पियही प्यारी, सदा अपने पति की सदा अपने स्वामी की प्रियतमा रहेगी। इससे अच्छा भाग क्या हो सकता है, जो जो स्वामी की प्रेमिका रहे, स्वामी के मुख मंडल के दर्शन करती रहे। लेकिन मैया पार्वती जी की जो शादी है ना, वो संसार से कुछ अलग ही हुई। यहाँ तो अभी हस्तरेखा देखी जा रही। और जैसे मैया ने सुना मेरी बेटी का जीवन कैसा है, देवर्षि नारद जैसे संत बयान कर रहे हैं कि सब लक्षण संपन्न कुमारी हो संतत प्यारी, मैया प्रसन्न हो। लेकिन उन्होंने कहा, ये तो ठीक है कि सब लक्षण संपन्न कुमारी, लेकिन कुछ दो चार अवगुण भी है, वो बाद में बताए हैं नारद बाबा ने। पहले तो सब अच्छा अच्छा बता दिया, और फिर सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपकी पुत्री सुलक्षणी है। लेकिन एक बात है, सुना हुजे दो चार अवगुण हैं, अवगुण दो चारी, बोले जो दो चार अवगुण है ये भी बता के ही जाना है, क्योंकि कहते हैं नारद वाणी कभी झूठी नहीं होती है। और जैसी अवगुण का नाम सुना तो मैया का हृदय कांप गया। भाई सुलक्षणी का नाम सुना वो ठीक है, लेकिन अवगुण का नाम सुना, मैया अवगुण कौन सी है बाबा, अवगुण कौन सी है, बोले अवगुण ये है कि पति तो मिलेगा और सदा प्रेम करने वाला मिलेगा, लेकिन जोटी जोगी जटिल अकाम बुरे वेश वाला, जिसके रहने के लिए घर नहीं है, चलने के लिए साधन नहीं है, खाने की व्यवस्था का पता नहीं है, ऐसा पति मिलेगा। आपकी बेटी को ऐसा पति मिलेगा, पड़ी हस्त असरेख, इसकी हाथों की रेखा बता रही है कि जो इसका पति होगा ना ही उसके पास घर होगा, जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन वाला होगा, अमंगल बुरे भेष वाला होगा, अस स्वामी यही का मिले और परी हस्त असरेख, ऐसा स्वामी इसको मिले। ये देवर्षि नारद ने बताया। अब बताइए, बड़ी समस्या है कि जिसके रहने को घर ना हो, चलने को साधन ना हो, खाने को भोजन ना हो, ठिकाना भी नहीं है, महाराज कहाँ जाए, कहाँ सोए, कहाँ खाए, ऐसा पति मिलेगा। लेकिन देवर्षि नारद ने कहा, हिमांचल जी घबराने की कोई बात नहीं, ये सब गुण जो है भोलेनाथ में पाए जाते हैं, ये गुण भोलेनाथ में पाए जाते हैं, अगर वो मिल जाए तो कहते हैं भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। लेकिन इसके लिए आपकी बेटी को तपस्या करना पड़ेगा, तब ऐसा स्वामी मिलेगा, तपस्या करना पड़ेगा। मैया ने कहा, भाई फूल जैसी बेटी है, तपस्या के लिए कहां भेजूंगी। लेकिन मैया पार्वती ने कहा, माँ मुझे स्वप्न में एक संत दिखाई दिए हैं और कहा है नारद वचन सत्य होगा, बेटी जाकर के तपस्या करो। मैया पार्वती तपस्या के लिए चली गई। मैया तपस्या के लिए चली गई क्योंकि नारद जी का वचन है कभी झूठा नहीं होता। नारद जी की जितनी विशेषता है उतनी उनमें बुराइयां भी हैं। ये मैं नहीं कहती हूँ, स्वयं मैया पार्वती ने कहा था।